एंड गाइस, बॉलीवुड की तो मैं क्या ही बात करूं, रशियंस को हमारा बॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जिमी जिमी वाले सॉन्ग पे डांस कर रही थी हम लोग के सामने और इतनी खुशी से डांस कर रही थी। आई डोंट नो उनको कुछ समझ आ रहा था या नहीं। जब हम ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार होते हैं, अच्छे से सज सज के जाते हैं बाहर, तो वो तो बस हमको थोड़ी देर तक देखते रहते हैं, फिर उसके बाद हमारी तारीफ करते हैं कितने सुंदर लग रहे हो तुम लोग। मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक्चुअली बाहर गुम हो गई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कोई बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें नहीं बताने वाली। इस वीडियो में एक्चुअली हम बात करेंगे कि जो मुझसे लोग मोस्टली पूछते हैं कि रशियंस कैसे होते हैं, उनका नेचर बिहेवियर कैसा होता है, इंडियंस के लिए उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो आज मैं आपको यही सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी और मैं आपको बहुत सारे अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस भी बताऊंगी जो भी उनके साथ मेरे बीते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिलो टू गेट ऑल notifications of my channel. So now without wasting any time, let's get started. सो गाइस, रशियंस को लेके एक मेंटालिटी बहुत टाइम से चली आ रही है कि रशियंस जो होते हैं वो थोड़े गुस्सैल होते हैं, रूड होते हैं बहुत। तो ये एक मेंटालिटी है उनके बारे में, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी जस्ट अपोजिट है। एक्चुअली में वो बहुत ही फ्रेंडली काइंड और वेलकमिंग काइंड ऑफ लोग हैं। अगर हम बात करें कि हेल्पिंग के बारे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। अगर उनको समझ आ गया कि आपको कैसे क्या चाहिए, वो हेल्प कर सकते हैं या नहीं, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और गाइस, रशियंस हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशंस है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। जैसे कि हमारी जब कॉलेज में जब हमारे होली फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, ये सब कुछ होता है, जब हम ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार होते हैं, अच्छे से सज सज के जाते हैं बाहर, तो वो तो बस हमको थोड़ी देर तक देखते रहते हैं, फिर उसके बाद हमारी तारीफ करते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हो तुम लोग। और कभी कभी ऐसा भी बोल देते कि रोज़ रोज़ तैयारी हुआ करो ऐसे, लेकिन ऑफकोर्स वी नो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब हमको को समझाना पड़ता है कि नहीं मामा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रोज़ रोज़ यही पहन के घूमे, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम ये सब भी उनको समझाते हैं, फिर वो हमारी तारीफ़ करते हैं कि आप कितना अच्छा फेस्टिवल है, हमारे हमसे पूछते हैं कि ये फेस्टिवल क्या चीज़ का है, क्यों मनाते हो, क्या स्टोरी है, सारी चीज़ें। तो वो बहुत इंटरेस्टेड हैं एंड कहीं ना कहीं वो बहुत पसंद भी करते हैं इन सारी चीज़ों को, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारी हॉस्पिटैलिटी को। तो ये सारी चीज़ें भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड गाइस, बॉलीवुड की तो मैं क्या ही बात करूं, रशियंस को हमारा बॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारी मूवीज़ अभी भी हैं जो रशियन में डब होती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स रशियंस को इतना पसंद है बॉलीवुड हमारा, तो ऑफकोर्स अभी भी डब हो रही हैं बहुत सारी मूवीज़ जो रशियंस को पसंद आ रही है। एंड वो जो ओल्ड एक्ट्रेस, जो एक्टर एक्ट्रेस रहे हैं, उनको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं बात करूँ राज कपूर की, तो उनकी तो जो मूवी थी मेरा नाम जोकर, उसमें तो रशियन एक्ट्रेसेस ने काम भी किया है, तो ऑफकोर्स उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ रशिया में बहुत ही ज़्यादा है। और इनफैक्ट मिथुन चक्रवर्ती, ओह गॉड, उनके तो इतने ज़्यादा फैंस हैं यहाँ पे, हर कोई आपको लगभग मिल ही जाएगा जो मिथुन चक्रवर्ती को बहुत पसंद करता है। इनफैक्ट हमारे जो वार्डन्स हैं ना गाइस, वो चार पाँच हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही वार्डन है, तो चार पांच वार्डन होती है हमारी। तो वन ऑफ द वार्डन्स जो थी, वो आई डोंट रिमेम्बर कि कोई डे था उस दिन, आई थिंक इंटरनेशनल वुमेंस डे था, तो उस दिन वो इतनी खुश थी, एक तो उनका दिन भी था तो वो इतनी खुश थी, उस दिन वो जिमी जिमी वाले सॉन्ग पे डांस कर रही थी हम लोग के सामने और इतनी खुशी से डांस कर रही थी। आई डोंट नो उनको कुछ समझ आ रहा था या नहीं, बट वो इतना खुशी से डांस कर रही थी कि क्या बताएं। और गाइस, अगर हेल्पिंग की बात करें तो मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक्चुअली बाहर गुम हो गई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, एंड उसका फ़ोन भी एक्चुअली डेड हो गया था। तो ये हो गया था सिचुएशन कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर दो लड़कियाँ जा रही थी रशियंस, उसने उनसे बात की, फ़ोन वगैरह उसने समझाया कि मुझे कॉल करनी है, एंड देन उसने कॉल किया किसी तरह हम लोगों को, हमसे कॉन्टैक्ट किया, फिर हम लोग गए थे उसे लेने। सो ये चीज़ थी कि वो चाहते तो वो मना कर देते, क्योंकि हम इंटरनेशनल लोग हैं, बाहर से आए हैं, वी नेवर नो कि हम कैसे निकले, बट स्टिल वो हमारी हेल्प किए, वो उसकी हेल्प किए, और वहाँ तक वो, जब तक हम वहाँ पहुँचे नहीं थे, वो वहाँ पे खड़े थे। तो ये एक चीज़ होता है कि बहुत स्वीट और बहुत हेल्पिंग होते हैं वो लोग। एंड वी ऑल नो गाइस कि रशिया और इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है हमेशा से, और कहीं ना कहीं इससे भी है क्योंकि रशिया ने इंडिया को एक टाइम ऐसे भी सपोर्ट किया था, बहुत हेल्प किया था जब
इंडिया को ज़रूरत थी जब कोविड नहीं था, तब रशिया ने सपोर्ट किया था, एंड अभी वॉर के टाइम पे जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो हम इंडियंस भी वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशिया को. सो ये चीज़ एक दिखाता है कि हमारे रिलेशन हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं. एंड ऑफकोर्स हम इंडियंस बहुत अच्छे से दोस्ती निभाते हैं, ये सभी जानते हैं, और हम कितने लॉयल होते हैं अपने फ्रेंडशिप के लिए ये भी हम सभी जानते हैं. तो गाइज हम सब जानते हैं कि रशिया में कितनी ज़्यादा ठंड होती है, तो ऑफकोर्स जैसे ही यहाँ पे समर्स आते हैं, समर हॉलीडे शुरू होते हैं, ये रशियंस जो हैं ये तुरंत निकलते हैं, भागते हैं गोवा के लिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं, जैसे हमें कहीं ना कहीं इंडियंस को ना थोड़ा बहुत तो ऑब्सेशन है यू नो फेयरनेस से, तो वैसे ही रशियंस को ऑब्सेशन है थोड़ा टैन स्किन से. तो ये अपने आप को टैन कराने आते हैं, ये गोवा चले जाते हैं, वहाँ मस्त सन बात लेते हैं और ये टैन होकर मस्त वापस आते हैं, फिर एक दूसरे की तारीफ होती है, हाँ तुम कितने सुंदर लग रहे हो ऐसा. तो ये चीज़ एक है इनकी कि हाँ ये बहुत ही खुश होते हैं इंडिया ट्रैवल करने के लिए. जैसे हमारी टीचर्स वगैरह भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोवा इनको पसंद है, बीचेस भी पसंद है, ऐसा नहीं है. ये हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी देखना बहुत पसंद करते हैं. हमारी टीचर्स जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मन होता है कि हाँ हमको भी लेके चलो इंडिया, हमको भी दिखाओ ऐसा वैसा. हम उनको बोलते भी हैं कि आप आओ कभी हमारे साथ चलो, हम आपको घुमाएंगे. बट ऑफकोर्स अभी तक तो ऐसा कुछ बन नहीं पाया है, बट होपफुली आगे देखते हैं कुछ होगा. अगर मैं अपनी बात करूँ डीन की, तो वो तो आई भी हैं यहाँ पे इंडिया में, वो घूमी भी हैं. इनफैक्ट मैंने उनकी एक फ़ोटो देखी थी जिसमें उन्होंने ताजमहल के सामने फ़ोटो खिंचाई थी. तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया को, वो घूमने भी बहुत आते हैं, तो उनको बड़ा मज़ा आता है इंडिया के लिए. एंड गाइस हो सकता है कभी कभी वो आपको डांट भी दें, चिल्ला भी दें, यूजुअली तो ऐसा कभी होता नहीं है, मुझे तो आज तक कोई चिल्लाया भी नहीं है, बट हो सकता है कभी आप पे कोई गुस्सा आ जाए, कोई आपको चिल्ला दे, बट आप इसको ऐसा समझो कि ठीक है आपने गलती की है, आपको डांट पड़ गई, तो इट्स ओके यार, इंडिया में भी तो लोग चिल्लाते ही रहते हैं एक दूसरे पर, तो इट्स ओके. आप यही समझो कि आपने गलती की थी तो आपको डांट पड़ गई. ऐसा नहीं है कि आपको कोई बेवजह आके चिल्ला देगा कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता. आप कोई गलती करोगे तभी, वो भी बहुत रेयर कंडीशन में, अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा कुछ आप गलतियों पे गलतियाँ ही कर रहे हो तभी आपको कोई इतना थोड़ा चिल्ला के बोलेगा, नहीं तो ऐसे तो कोई ऐसा बोलता भी नहीं है. बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते भी हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन देना हो, या फिर आपका कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, और यू कैन डीएम मी इन माई इंस्टाग्राम. एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिलो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल. सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.